हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में WBBL का जो 36वां मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको GL में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके जा सकते हो जिससे आपके विनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे कि एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन की ग्राउंड कैसी बिहेव करती है, पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, बाकी क्या है यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न और मतलब कैसा है यहाँ का एवरेज स्कोर, और उसके बाद बताएंगे कि प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म कैसा है, उसके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर GL में प्रेफर करके चलते हैं। उसके बाद हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है और प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है और सेकेंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहली इनिंग में तो काफी अच्छा करते हैं बट सेकेंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सेकेंड इनिंग में अच्छा करते हैं तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स पर अगर आप नजर बनाकर जाओगे तो GL में आपको अच्छे खासे रैंक मिल सकते हैं। हाँ, ये ट्रिक थोड़ा स्मॉल लीग में मत अजमाना, ये रिस्की रह सकता है, बट GL में अगर ये ट्रिक अजमाओगे तो आपको GL में एक ना एक दिन तो रैंक अच्छा खासा आएगा ही आएगा। बाकी ये मैच आपको फ्राइडे नवंबर 22 को 2:40 पर एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन के ग्राउंड पर खेला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे चेंजेस रहते हैं मैं आपको यहीं पर अपडेट करता हूं, चाहे प्लेइंग 11 में चेंजेस हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो, चाहे पिच रिपोर्ट में चेंजेस हो, सब कुछ यहीं पर डिटेल वाइज शेयर करता रहता हूं। और देखो आफ्टर टॉस में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक आपको सबसे बड़ा तो चेंजेस पिच रिपोर्ट में दिखता है और जो पिच रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देखो उसी पर कई बार गेम डिपेंड रहता है। अगर मान लो कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगा, आफ्टर टॉस बहुत से चेंजेस हो जाते हैं इसके वजह से, और आप बैटिंग फ्रेंडली टीम क्रिएट करके जा रहे हो तो ये बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां पर आपको प्रॉपर सब कुछ मैं पिच रिपोर्ट के फोटो के साथ सब कुछ अपडेट कर देता हूँ। बात करते हैं अब यहाँ से पिच रिपोर्ट की, तो देखो अभी के लिए जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पर टोटल 30 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 13 मुकाबले आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 17 मुकाबले आपको सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। अगर स्कोरिंग पैटर्न का बात किया जाए तो 20 बार 150 के नीचे स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 6 बार, 170 से 189 के बीच में 3 बार और 190 के पार आपको 1 बार स्कोर बनाया, तो मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% मैचेस में आपको 150 के नीचे स्कोर रहता है। अगर एवरेज स्कोर को बात किया जाए तो 139 रन है, हाईएस्ट स्कोर 192 और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 74 रन 1 विकेट खोकर। बाकी पेसर और स्पिनर्स में बात किया जाए तो पेसर्स ने यहाँ पर 52 विकेट और स्पिनर्स ने यहाँ पर 71 विकेट पिक कर रखे, मतलब 60% विकेट आपको पेसर स्पिनर्स पिक करके जा रहे हैं और 40% विकेट आपको पेसर्स पिक करके जा रहे हैं। तो हम अपने टीम में दोनों को बैक करके चलेंगे, बट हाँ मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि जब भी अगर वुमेन्स क्रिकेट के मैच खेल रहे हो तो आप अपने टीम में स्पिनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देके चलना एज कंपेयर टू पेसर्स, क्योंकि देखो यहां पर स्पिनर्स का डोमिनेंस रहता है वुमेन्स क्रिकेट में और जो इंपॉर्टेंट ओवर रहता है वो स्पिनर्स ही कराया जाता है, चाहे डेथ में कराया जाए चाहे पावर प्ले में कराया जाए, तो ये चीजें बस ध्यान में रख के चलना। बात करते हैं अब यहाँ से लास्ट के कुछ मैचेस का, तो देखो इस सीजन में एक मुकाबला यही खेला गया, बाकी ये तीनों लास्ट सीजन का, तो इस मैच के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो ब्रिस्बेन की टीम ने इस मैच में पहले बैटिंग किया था और 169 रन इन्होंने स्कोर किए थे 8 विकेट खोकर, और मेलबर्न की टीम इसके जवाब में 141 रन 9 विकेट खोकर बना पाई और ये मैच हार गई थी जिसमें पेसर्स ने 2 और 3 और स्पिनर्स ने 6 और 4 विकेट पिक किए थे। तो देखो यहाँ पर देखो चेसिंग करते हुए टीम दोनों कोलैप्स हुई और जो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों इनिंग में आपको अच्छे खासे विकेट गिरे थे और पेसर और स्पिनर्स दोनों का डोमिनेंस था, बट हाँ यहाँ पर देख रहे हो 10 विकेट आपको पेसर्स ने पिक कर रखे और 5 विकेट सिर्फ पेसर्स ने पिक कर रखे हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको स्पिनर्स को प्रेफर करके चलना चाहिए। बाकी यहाँ पर भी देखो यहाँ पर अच्छी खासी स्कोरिंग हुई, बाकी विकेट गिरा, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्कोरिंग हुई बट यहाँ पर भी विकेट गिरा और यहाँ पर तो वन साइडेड यहाँ पर कोलैप्स हो गया था, फिर होबार्ट की टीम ने टारगेट को चेस कर लिया, मतलब यहाँ पर अच्छे खासे विकेट गिरते हैं। तो आप अपने टीम में क्वालिटी पेसर और स्पिनर्स दोनों बैक करके जा सकते हो, बाकी बैटर को भी पिक करके चलना होगा। मैं आपको एक प्रॉपर टीम भी शेयर करूंगा, आप टेंशन ना लो। बाकी लास्ट के 10 मैचेस की बात किया जाए तो ब्रिस्बेन की टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं और मेलबर्न की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। अगर रिसेंट में बात किया जाए तो 5 में से 2 मुकाबले आपको ब्रिस्बेन की टीम जीत रही है और 5 में से 5 मुकाबले आपको मेलबर्न की टीम हार करा रही है, तो मेलबर्न की थोड़ा सा बुरा हालत में, वहीं पर ब्रिस्बेन ठीक ठाक फॉर्म में, रिसेंट में भी 2 मैच जीत करा
रही है और हेड टू हेड में भी 7 मैच जीती है। तो इस मैच में आप ब्रिस्बेन हीट को फेवर करके जा सकते हो। बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 की, तो ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी। उसके बाद नंबर 3 पर जेमेमिया, पिछले मैच में नंबर 4 पर चार्ली नॉट आए थे, 5 पर लॉरा हैरिस, 6 पर आपको जेस जोनासन, उसके बाद नडीने डिक्लर्क, लूसी हैमिल्टन, निकोला हैनकॉक, शिखा पांडे और ग्रेस पार्सन। ये थी ब्रिस्बेन हीट की लास्ट मैच के प्लेइंग 11। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ज्यादा चेंजेस कुछ होगा नहीं, तो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं ब्रिस्बेन हीट की टीम। बात करते हैं इनके स्टार्टिंग ओवर, तो निकोला हैनकॉक, शिखा पांडे और चार्ली नॉट, और डेथ में बात किया जाए तो निकोला हैनकॉक, जेस जोनासन और चार्ली नॉट आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, और किसको हमें स्मॉल लीग में ट्राई करना और किसको हमें जीएल में। देखो ग्रेस हैरिस का बात किया जाए तो लास्ट मैच में 6, उससे पहले 39, 33, 41, 14, लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो लास्ट के थर्ड मैच में, मतलब तीनों मैच में आपको इनको शुरुआत मिला है, बट उसका यूटिलाइज ये नहीं कर पाई है। हेड टू हेड इन्होंने 12 मैच में 295 रन, 36 कैवरेज से और 6 विकेट, और वेन्यू पर 17 मैच में 246 रन, 14 कैवरेज से और 5 विकेट पिक कर रखा है। जहां से आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने हेड टू हेड में भी रन स्कोर कर रखा है और वेन्यू पर भी रन स्कोर कर रखा है, तो हम इनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे। बाकी रेड माइने का बात किया जाए तो 19, 28, 7, 9, 0। देखो रेड माइने को हमें क्यों ट्राई करना है, सबसे पहले एक तो ये टैलेंटेड बल्लेबाज है, WBBL की काफी बेहतरीन बल्लेबाज आप कह सकते हो, बट इस सीजन स्ट्रगल करिए। बट जो सामने वाली टीम में जो विकेट कीपर है सोफी रेड उतनी टैलेंटेड नहीं है और उनके पास उतना एबिलिटी भी नहीं है रन स्कोर करने का, तो रेड माइने का पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है रन स्कोर करके और अच्छे खासे ड्रीम टीम में आने का, तो रेड माइने को हम बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे। बाकी जमीमा ने भी लास्ट मैच में 45 रन की एक बेहतरीन पारी के लिए, उससे पहले 61 फिर 5 फिर 13, इनको देखो जब भी जब मौका मिल रहा है जब जब ये स्कोर करके जा रही है। हेड टू हेड में इन्होंने 45 के एवरेज से रन स्कोर कर रखा है, वेन्यू पर इनका खाता भी तक नहीं खुला है, तो देखो जमीमा को तो बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने वाली टीम है उनके पास क्वालिटी बॉलर तो है बट ये आपको डोमिनेट करती हुई दिख सकती है। तो रोड्रिग्यूज को मैंने ट्राई कर रखा है, जेस जोनासन लास्ट मैच में विकेट लेस रही थी, उसके पहले 3 विकेट, फिर 0, फिर 3, फिर 0, ऐसे मतलब इनका प्रदर्शन रहता है, विकेट लेती है तो गुच्छे में विकेट लेती है अदरवाइज फ्लॉप ही रहती है। वेन्यू पर इनका काफी शानदार प्रदर्शन है, 23 मैच में 34 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, हेड टू हेड में 15 मैच में 17 विकेट इन्होंने, तो मेरी टीम की बाय डिफॉल्ट चॉइस होनी चाहिए और CNBC के एक अच्छे खासे चॉइस आपके लिए रहेंगे। बाकी अगर चार्ली नॉट का बात किया जाए तो लास्ट मैच में इनको बैटिंग से प्रमोशन मिला था और नंबर 4 पे बैटिंग करने आई थी और उसके फल स्वरूप इन्होंने 35 रन, फिर 1, फिर 7, फिर 55, फिर 13। देखो इनको बॉलिंग से कुछ खास मदद मिल नहीं रहा, हाँ गेंदबाजी भी मिल रहा, तो 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी मिल रहा, तो उसमें भी कुछ खास कर नहीं पा रही है। तो नॉट को आप एज अ बैटर या ऑलराउंडर आप कह सके जाओ, इनको पिक करके चलना, शायद बॉलिंग से मौका मिल जाए तो बॉलिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करके दे दे। लॉरा हैरिस उतनी अच्छी चॉइस नहीं, आप जीएल में प्रेफर करके चलना, काफी नीचे बैटिंग करने आती है इसके वजह से। बाकी नडीने डिक्लर्क को भी जीएल में ट्राई करना, ये भी स्ट्रगल करिए और इनको प्रॉपर 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं मिल रहा, इनका शायद 2 से 3 में ही कट जा रहा ओवर, और मे भी अगर फ्लॉप रहते तो ये भी नहीं मिलता। हैमिल्टन ने लास्ट मैच में 5 विकेट निकाले थे, एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी इन्होंने लास्ट मैच में, बट यही है ना कि इनको एक मैच में विकेट मिल जाता है, 2 मैच में फ्लॉप रहती है, कंसिस्टेंट ये नहीं है, तो इसकी वजह से इनको हमेशा जीएल में प्लेयर ट्राई करके चलेंगे, स्मॉल लीग में अभी भी रिस्क आपके लिए रहेंगी। बाकी शिखा पांडे ऑलमोस्ट हर एक मैच में इन्होंने विकेट निकाला, 2, 2, फिर 1, 1, 1, मतलब देखो ना यहाँ पर टोटल इन्होंने 4, 3, 7 विकेट पिक कर रखा है लास्ट के 5 मैचेस में, तो हम इनको बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे और पहले इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो इनको जीएल में CNBC प्रेफर करके आप जा सकते हो। हैनकॉक का बात किया जाए तो देखो ये कभी विकेट निकालती है कभी विकेट लेस, कभी विकेट निकालती है कभी विकेट लेस, मतलब एक विकेट निकाल दिया तो अगले मैच में विकेट लेस रह जा रही है। हाँ वेन्यू पर रिकॉर्ड काफी शानदार है, 11 मैच में इन्होंने 20 विकेट पिक कर रखा है, तो निकोला हैनकॉक को एज अ जीएल और अगर पहली पारी में ब्रिस्बेन की टीम गेंदबाजी करती है तो एज अ ट्रंप प्लेयर आप अपने टीम में रोटेट करके चले जाना। बाकी ग्रेस पार्सन 1 विकेट लास्ट मैच में, से पहले 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0, देखो इनको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वही है कि इनके कंसिस्टेंट नहीं सबसे पहले और इनका ओवरकट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से इनको आप जीएल में प्रेफर करके चलना। बाकी अगर बेंच में बात किया जाए तो सियाना जिंजर, लॉरेन विनफील्ड और एम रिगली आपको दिख सकती हैं। अगर स्मॉल लीग में किनको ट्राई करना है तो देखो ग्रेस हैरिस को बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकते हो, रेड माइने को भी बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकते हो, और यहाँ से जेमिमा को भी, जेस जोनासन, चार्ली नॉट, ये टॉप के 5 आप ट्राई कर सकते हो और इन 5 में से तो कम 4 आप ट्राई करके जाना ही जाना। बाकी लॉरा हैरिस को जीएल में
नाडिना डिक्लर्क जीएल में, लूसी हैमिल्टन जीएल में, उसके बाद शिखा पांडे बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में, निकोला हैनकॉक पहली पारी में बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर ग्रेस पार्सन को अब जीएल में प्रेफर करके चलना। बाकी दोस्तों अभी तक आपने बूम इलेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कैसे? देखो, एक तो यहाँ पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है जिसका फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हो। लाइक अगर मान लो कि पहली ओवर में विकेट गिर जाता है तो उस चीज का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। आप जल्दी से चेंजेस करोगे तो आप अपने अपोनेंट से काफी ज्यादा आगे रहोगे, मतलब पॉइंट्स के मामले में। और यहाँ पर एंट्री फीस भी काफी कम है, 20,000 का फ्री गिवअवे मिलता है। देखो, फ्री गिवअवे तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर देगा बट कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम है। दूसरे ऐप में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से आप जीत नहीं पा रहे, बट यहाँ पर कंपटीशन उतना नहीं है तो आराम से जीत सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है, बहुत से फायदे हैं। एक बार आप डाउनलोड करके चेकआउट करो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी बात करते हैं मेलबर्न की, टू एनाबेल सदरलैंड, सोफी रेड, मैग लैनिंग, मरियाना कैप, टेस फ्लिंटॉप, दीप्ति शर्मा, रयास में कियाना, उसके बाद इनियस में क्यों और किम गार्थ, सोफी डे और मैसी गिब्सन, ये हो सकती है मेलबर्न स्टार की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको मरियाना कैप, किम गार्थ और टेस फ्लिंटॉप, और डेथ में बात किया जाए तो सदरलैंड, मरियाना कैप और दीप्ति शर्मा आपको कराती हुई दिख रही है। देखो, जो दीप्ति शर्मा, इनके जो कैप्टन है एनाबेल सदरलैंड, इनका ओवर कट कर रहे हैं मैक्सिमम चांस। अगर इनको प्रॉपर गेंदबाजी मिलती तो वाइस कैप्टनसी के लिए भी बहुत अच्छी चॉइस रहेंगी, बट अब इनको ना ही प्रॉपर बल्लेबाजी मिल रही है, नहीं गेंदबाजी मिल रही है, तो इनको जीएल में प्रेफर करना सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास रहेगा। बाकी बात करते हैं इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो सोफी रेड लास्ट मैच खेला था इन्होंने, उसमें 21 रन स्कोर किए थे, हेड टू हेड में 9 का एवरेज और वेन्यू पर 10 का एवरेज है। तो आप मान के चलो कि आप इनको जीएल में ट्राई करके चलना, उतनी एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है माइने के मुकाबले, तो मैं रेड माइने को ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू सोफी रेड। बाकी सदरलैंड का बात किया जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने 3 रन स्कोर किए थे, उससे पहले 21 फिर 21, हेड टू हेड में इनका 18 का एवरेज और 12 विकेट और वेन्यू पर इनका 10 का एवरेज और 4 विकेट। अब देखो, ओपनिंग में अपने आप को प्रमोट किया बट उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, अच्छे खासे रन स्कोर करने का, अच्छे खासे विकेट लेने का, बट वही है कि उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही। कैप्टनसी होने के बावजूद ये अपने आप को डेथ में गेंदबाजी दे रही है और पावर प्ले में भी इंपॉर्टेंट ओवर कराने आ जा रही है, तो इनके विकेट मिलने का चांस बेटर है एज कम्पेयर टू मरियाना कैप। इसकी वजह से मैं इनको वाइस कैप्टनसी के लिए प्रेफर कर रहा हूँ बार बार मैच में। पिछले मैच में भी हमने किया था बट वो वर्क नहीं कर पाया और मरियाना कैप ने 3 विकेट पिक कर लिया था, बट इस मैच में एक बार फिर से एनाबेल सदरलैंड पर भरोसा करते हैं। क्या पता, अगर देखो मरियाना कैप का एक नुकसान है कि उनके मैक्सिमम ओवर 12 से 15 ओवर पहले ही करवा दिया जाता है चारों के चारों, बट वही है कि सदरलैंड इंपॉर्टेंट डेथ में गेंदबाजी करने आती, इस वजह से मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगी एज कम्पेयर टू मरियाना कैप है। बाकी मैग लैनिंग का देखा जाए तो ये भी स्ट्रगल करिए, इनके जैसे बल्लेबाज भी इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा है, जिनका एवरेज हेड टू हेड में 46 और वेन्यू पर 36, और बहुत टैलेंटेड, मतलब ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में सबसे बेटर बल्लेबाज आपको मैग लैनिंग ही दिखेंगी, तो इनको मैं बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा। बाकी एम कैप का बात किया जाए तो यहाँ 3 विकेट, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ये भी स्ट्रगल करिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं करिए, ये भी स्ट्रगल करिए बट उनसे बेटर परफॉर्मेंस करिए एनाबेल सदरलैंड से। तो अगर आप चाहो तो ये इनको वाइस कैप्टनसी करके जा सकते हो, वो मेरा रिस्क है, आप इनको जाओगे आप सेफ वाइस कैप्टनसी के साथ जा रहे हो, बाकी आप देखते हो डिसीजन आपका हो सब कुछ का। बाकी दीप्ति शर्मा देखो, ये ना इनको बैटिंग से भी डिमोट किया जा रहा है, बॉलिंग से भी मौका नहीं मिल रहा खासकर, तो अब इनको ट्राई करने का कोई फायदा बनता नहीं है बहुत, मतलब इनसे बेटर एक आप एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हो, एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जा सकते हो जिनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी रन स्कोर करने का और विकेट लेने का। अगर ये प्रॉपर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती तो आप एक बेटर चॉइस रह सकती है। बाकी टेस्ट फ्लिंटॉप लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक किया था, उतनी अच्छी चॉइस नहीं है, जीएल में प्रेफर करके चलना इनको आप। बाकी रियास में कियाना और इनियस में कियान दोनों को जीएल में ट्राई करना, किम गार्थ को हम बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलेंगे। देखो ऑलमोस्ट हर एक मैच में इन्होंने विकेट निकाले, 1, 1, 2, 0 और 1, तो बाय डिफॉल्ट हम इनको ट्राई करेंगे। सोफी डे का बात किया जाए तो इन्होंने लास्ट के 3 मैच में 4 मैच में 3 विकेट पिक कर रखा है, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो। जो इनका भी कुछ खास प्रदर्शन जा नहीं रहा लास्ट मैच के सीजन के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट सीजन इनका काफी बेहतरीन गया था, तो डे एक बेहतरीन चॉइस आपके लिए रहेंगे। बाकी अगर बात किया जाए मैसी गिब्सन, तो ये उतने अच्छे चॉइस नहीं है, इनके सबसे पहले जो
डिसएडवांटेज इनके ओवरकट हो जाते हैं। तो मैसी गिब्सन को अगर आप प्रेफर करना चाहो तो जीएल में डेफिनेटली कर लेना। मान लो अगर प्रॉपर चार ओवर की गेंदबाजी मिल गया और इन्होंने अच्छे खासे विकेट निकाल लिया तो जीएल में हमारा फायदा हो सकता है। स्मॉल लीग में तो वैसे भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 5% लोग ट्राई कर रहे हैं इसके वजह से। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान से सुना करो कि जीएल में किसको प्रेफर करेंगे तो लॉस हमारा स्मॉल लीग में नहीं होगा, बट हाँ जीएल में वन साइडेड जीत सकते हैं। बाकी अगर बात करें बेंच पे तो यास्तिका भाटिया, हसरत गिल और सासा मोलोनी आपको दिखेंगे। बात करते हैं स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना है तो सोफी रेड को हम नहीं ट्राई करेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सदरलैंड को जी स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, लैनिंग को भी बाय डिफॉल्ट, कैप को भी बाय डिफॉल्ट, दीप्ति शर्मा को मजबूरी में इनको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी एक बेहतरीन चॉइस रहती है। बाकी फ्लिंट ऑफ जीएल में ट्राई करना, बाकी मैकेन को दोनों को जीएल में प्रेफर करना, बाकी किम गार्थ और सोफी डे को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो और मैसी गिब्सन को जीएल में प्रेफर करके चलना। बाकी कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात किया जाए तो सदरलैंड, मरियाना कैप और जेस जोनासन तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, आप तीनों में से किसी को सीएनबीसी रोटेट करके जा सकते हैं। बाकी जीएल में बात किया जाए तो मैग लैनिंग, ग्रेस हैरिस और किम गार्थ, इन तीनों में कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, लाइक कैप्टन मैग लैनिंग तो वाइस कैप्टनसी ग्रेस हैरिस, ऐसे एक कॉम्बिनेशन जरूर बनाना, आपके लिए वर्क करके जा सकता है इस मैच में। बात करते हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना। देखो आने वाले टाइम में वहां पर डोमेस्टिक के भी मैचेस कवर करेंगे एंड जो अदर मैचेस होंगे उनके जीएल की वीडियो भी वहां पर अपलोड करेंगे, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं अब यहाँ से टीम का, तो जैसे कि मैंने बताया आपको रेड माइनो को मैं पिक करूंगा बाय डिफॉल्ट, इनको ट्राई कर रहा हूँ। बाकी बैटिंग सेक्शन से लैनिंग, ग्रेस हैरिस और जेमिमा रोड्रिग्यूस को ट्राई किया मैंने। ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से जेस जोनासन, मरियाना कैप, अनाबल सदरलैंड, चार्ली नॉट और अगर बात किया जब बॉलिंग सेक्शन से तो किम गार्थ और शिखा पांडे और सोफी डे। अब इसमें देखो क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, आप सोफी डे के प्लेस पे निकोला हैनकॉक या अगर रिस्क लेना चाहते हो तो दीप्ति शर्मा चार्ली नॉट के प्लेस पे ट्राई करना, दो ये आप चेंजेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्यूस से इन तीनों के प्लेस पे निकोला हैनकॉक या दीप्ति शर्मा में से किसी एक को ट्राई करके जा सकते हो। अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टनसी में तो मैंने जेस जोनासन को किया और वाइस कैप्टनसी सदरलैंड को, आप चाहो तो मरियाना कैप को भी सीएनबीसी करके इस मैच में जा सकते हो। तो ये अभी के लिए टीम है, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।